नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर राज्य साइबर सेल पुलिस ने लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके द्वारा इंदौर के एक फरियादी से 1 करोड़ से अधिक ठग लिए थे। आरोपी कियोस्क के माध्यम से ठगी का धंधा संचालित कर रहे थे। दरअसल इंदौर के फरियादी प्रियेश कोठारी ने साइबर सेल से शिकायत की थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरे साथ 1 करोड़ से अधिक की लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की है। इन आरोपियों द्वारा अलग अलग क्रेडिट कार्ड में 1,17,00,000 रुपए से अधिक जमा करा चुके हैं। लोन दिलाने में आनाकानी कर रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से देखते हुए साइबर सेल ने जांच की, जिसमें सभी आरोपी गाजियाबाद के निकले। जैसे टीम गठित कर गाजियाबाद पहुंचाया गया है, वहीं से पूर्व में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों ने मास्टरमाइंड प्रतीक चौहान का नाम का उल्लेख किया था। पुलिस ने इन गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर प्रतीक चौहान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने निजी बैंकों का कियोस्क ले रखा है, वहीं उसी की आड़ में ये ठगी का धंधा संचालित कर रहे थे। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फरियादी थे, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनके साथ में 1,17,00,000 की धोखाधड़ी हुई है लोन दिलाने के नाम पर। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसमें विवेचना कर अपराध पंजीबद्ध कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनका पीआर लिया हमने, फिर उनसे कुछ जो जानकारियां प्राप्त हुई और कुछ हमारे मुखबिर भी लगे हुए थे, तो उनके ऊपर जो था भी मुख्य सरगना ही कह सकते हैं उसको, वो उसके बारे में गाज़ियाबाद में सूचना मिली कि वो वहाँ से मूव कर रहा है। और उसके बाद फिर सूचना प्राप्त हुई कि वो इंदौर के आसपास कहीं पर है और ज़मानत कराने की उसमें वो घूम रहा है। फिर हमारे द्वारा उसको तलाशी करके उसको रास्ते से पकड़ लिया। सर, ये जो पूरा एक संगठित गिरोह है, इसमें लगता है आपको कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व होंगे? हाँ, इसके अंदर कुछ और लोगों के भी मिलने की संभावना है पूरी, जैसा हमको जानकारी भी प्राप्त हुई कि अन्य लोग भी हैं इसके अंदर। और जिन लोगों ने उनकी शुरुआत में जो पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी बनाने वाले, उनको कॉलिंग करने वाले, उस बिंदु पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसे अभी तो इंदौर का एक मामला है, क्या पूछताछ में अन्य राज्यों का मामले भी सामने आए जिसमें? फिलहाल में तो अभी इंदौर की मामला सामने आया है, लेकिन अब ये आगे और आगे हैं जो उसके आगे के जो लोग हैं जिनको हम तलाश कर रहे हैं, हो सकता है कि उनसे वो जानकारियाँ प्राप्त हो तो अन्य राज्यों के भी व्यक्ति मिले इसमें। और ये टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।